डिंडोसी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ताज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने निर्दलीय उम्मीदवार का फॉर्म इसलिए भरा हूँ कि 10 साल से डिंडोशी हमारी लावारिस हो चुकी है डिंडोशी विधानसभा। हमारे आमदार साहब जो है वो गायब है डिंडोशी विधानसभा से और लापता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए हम लोगों को जो है बड़ा जिद्दोजहद करना पड़ रहा है। ना किसी आमदार का, किसी खासदार का, ना किसी नगर सेवक का यहाँ पर पता है। स्कूल से लेके बच्चों की शिक्षा से लेके गली नाले गटर से लेके छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे समाज के लोगों को, हमारे लोगों को बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, बड़ा जिद्दोजहद करना पड़ रहा है। इसी सब के चलते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे डिंडोशी विधानसभा लड़ना चाहिए अपनों के लिए, अपनों की ताकत के लिए और अपनों के बेहतर कल के लिए। चुनावी मुद्दा क्या होगा और रही बात की शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई यहाँ पर चल रही है, तो पूरे डिंडोसी विधानसभा में 11% मुस्लिम है और आपको क्या लगता है कि अन्य पार्टियों जो अन्य धर्म के लोग हैं वो भी आपको मतदान करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा है कि हमारे लोकल नगर सेवक, हमने एक एक ढाबे के लिए जो गटर पे डाला जाता है 4-4 साल लगा है, लेकिन एक ढाबा तक उनके फंड से आया नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया ये लोगों ने खा के बैठ गया है। जो डिंडोशी में नगर सेवक आमदार है इस वक्त, उनके जितने चमचे हैं वो वर्गनी करते हैं, वसूली करते हैं, ये अपना पेट भर रहे हैं। ना गरीबों को देखा जा रहा है, ना गरीबों की तकलीफ़ को देखा जा रहा है। तो मेरा मुद्दा यही है कि सबसे पहले जो है कि ये इस चीज़ों का सुधार होना चाहिए। यहाँ सबसे पहले तो जो भ्रष्ट लोग हैं यहाँ के, जो भी आमदार खासदार जो भी हो, नगर सेवक हो, इनको दूर किया जाए। रहा सवाल कि हम 11% नहीं हैं, शायद नया कैलकुलेशन अब जो है वो 13 या 15 के करीब हो गया है। और रही बात कि मैं इस डिंडोशी विधानसभा का बेटा भाई हूँ, मेरे दोस्त यार है, मेरे हिंदू समाज से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरा बचपन यहीं गुजरा है और मुझे हिंदुओं का भी बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अप्पा पाड़े से लेके, क्रांति नगर से लेके और संतोष नगर से लेके बड़ी तादाद में जो मेरे दलित भाई है जो वो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह। दो कुत्ते हमेशा लड़ते हैं तो हमको उन पर ध्यान नहीं देना है। अब कौन किसके साथ लड़ रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा एक ही नारा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह नारे की बुनियाद पे, कलमे की बुनियाद पे मैंने अपने कदम को बढ़ाया है और इंशाल्लाह मुझे साथ और सपोर्ट मिलेगा मेरे अपनों का, मुझे पूरी उम्मीद है।